अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं इस वक्त तैयारी से हूँ और मैं जा रहा हूँ पाकिस्तान। आज मैंने जाना है न्यूयॉर्क और कल न्यूयॉर्क से मेरा इंशाल्लाह पाकिस्तान की फ़्लाइट वाया दुबई, तो मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ। सफ़र मेरा शुरू हो चुका है, मैं न्यूयॉर्क के लिए निकल चुका हूँ ओहायो से। यहाँ से तकरीबन 7.5 से 8 घंटे का रास्ता है जो मुझे लगेगा टाइम, और मैं रात को न्यू जर्सी रुकूँगा और कल मेरी इंशाल्लाह न्यूयॉर्क के लिए फ्लाइट, न्यूयॉर्क से मेरी फ़्लाइट है। तो एक दिन है अभी टेक्निकली मेरे पास, लेकिन यह है कि एक तरह से सफ़र शुरू भी हो चुका है। प्लान ये है कि मैं सारा सफ़र जो है अमेरिका से पाकिस्तान और फिर पाकिस्तान में मेरा क्या क्या करता हूँ वो सारा मेरा इंशाल्लाह व्लॉग बनाने का इरादा है। साढ़े छः बजे मैं ओहायो से निकला था और अभी तकरीबन 9 बजे हैं। मैं इस वक्त पेंसिल्वेनिया में हूँ और सफ़र तकरीबन आधा हो गया है। 12:30 बजे का मेरा ETA है न्यू जर्सी का। फ्यूल स्टेशन रुका हूँ, थोड़ा रेस्ट भी करूँगा, गाड़ी को भी रिफ्यूल करूँगा और उसके बाद जो है वो अपना सफ़र कंटिन्यू करेंगे। रात को लेट पहुँचा था न्यू जर्सी में और उसके बाद मैं अपने दोस्त, पुराने दोस्त सुहेल साहिब की तरफ रुका था। सुहेल भाई हाथ लाएंगे आप। अभी हम जा रहे हैं न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क में थोड़ा बैठेंगे, खाना पीना करेंगे और उसके बाद रात को मैं एयरपोर्ट चला जाऊंगा। न्यूयॉर्क की ट्रैफिक हमेशा ही ऐसी रहती है, ऐसा लगता है जैसे पूरा इंडिया यहीं उमड़ आया है। इतनी लंबी लाइंस है हर जगह के, तकरीबन 2 घंटे से हम लाइन में ही लगे हैं। बड़ा जहाज़ है, A320 है तो रश भी ज़्यादा है। सॉरी, मैंने करेक्शन करनी है, जहाज़ है 320 नहीं बल्कि A380 है। टाइम कम है, मुकाबला सख्त है क्योंकि नेक्स्ट जहाज है वो मेरे ख्याल से 1 घंटे के बाद है, तो इसलिए थोड़ा रश करना पड़ेगा। पहुंच गया हूँ गेट पे, ड्रेस चेंज कर लिया और रेडी टू गो। इंशाल्लाह 3 घंटे बाद पाकिस्तान हो गया।